नया पर्यटक सीजन आगरा में शुरू हो चुका है। इसी संबंध में हमारे कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के निर्देशानुसार हम एक टूर ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चला रहे हैं। ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट में हमने सबसे पहले पर्यटकों को एक सटीक सूचना कैसे मिले, इसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, बोर्ड्स और बाकी माध्यमों से सूचना उनको प्रदान करें। उसके अलावा पर्यटक जहाँ जहाँ लाइन लगाता है, जो जो असुविधाओं से होती है, उन असुविधाओं को दूर करने के लिए भी इसमें प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो इसका मुख्य कंपोनेंट है, वो एक एक्सटेंसिव एंटी लपका ऑपरेशन है जो पूरे आगरा शहर में चलाया जा रहा है। सारे मॉन्यूमेंट्स पर, जो रोड्स हैं वहाँ पर जहाँ लपके खड़े होते हैं, या आगरा कैंट स्टेशन, सब जगह पर ये एंटी लपका ऑपरेशन लगातार चलेगा और सख्त से सख्त लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आखिरी कंपोनेंट में हम प्रो पुअर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जहाँ जो गरीब महिलाएं हैं उनका, या विधवा महिलाएं, उनका स्वयं सहायता समूह बनाकर कैसे हम पर्यटन से उनको बेनिफिट दिलाएं, इसके लिए भी पर्यटन पुलिस काम कर रही है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये मार्च 2024 तक ये हमारा ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चलेगा और पर्यटकों को डिलाइटेड करेगा। सर, लगभग बात की जाए तो इस वर्ष की बात कर ली जाए, लगभग कितने ऐसे लपके हैं जिन पर कार्रवाई की गई है इसके द्वारा? आगरा पुलिस कमिश्नरेट लगने के बाद से लगभग 325 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है निरोधात्मक, और उसके अलावा लगभग 12 मुकदमे लपकों के विरुद्ध लिखे गए हैं जहाँ उन्होंने अपराध कारित कर दिया था। इसके अलावा पिछले अगस्त के महीने में ही 58 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट में हम इस कार्रवाई को ऐसे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ ये बताना भी उचित होगा कि पिछले किसी भी वर्ष में कभी भी 100 का आंकड़ा लपकों के विरुद्ध पार नहीं हुआ है, और हमने 300 का आंकड़ा 8 महीने में ही पार कर लिया है।